हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एलुहब। ये है पार्ट टू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पार्ट वन में हमने इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को पढ़ा था, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट मेजर इंडस्ट्री, जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, इस वीडियो में इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके अगले पार्ट्स में मैं आपको और बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें हम बस इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट, मेजर इंडस्ट्री से आपके मन में दो शब्द आने चाहिए, वो है आयरन एंड स्टील। क्यों? क्योंकि मेजर इंडस्ट्री में ना सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, और इनको क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री। यस, बेसिक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि कुछ भी आप देख लो, कोई भी सामान है, या फिर आप इंडस्ट्रीज के अगर फील्ड को देख लो, तो उसमें जो बैकबोन है ना, उसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कहा जाता है। इंडस्ट्रीज के बैकबोन को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर जो सामान है इस रॉ मटेरियल की वजह से ही बन पाता है, आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में अधिकतर जो चीज़ें हैं, जो मोस्टली जो सामान है, वो इनकी वजह से बनता है, तो इसलिए इनको एक बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमें क्या देखना है, अगर आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आपको दो चीज़ इसमें देखनी होती है। फर्स्ट, रॉ मटेरियल कौन सी यूज़ हो रहा है, एंड सेकेंड, ये किन रीजन्स में है, ठीक है। रॉ मटेरियल कौन से यूज़ हो रहे हैं, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा और फैक्ट्स दे रखे हैं, तो उसको तो आपको डेफिनेटली देखना है, साथ में रीजन्स। तो हर एक इंडस्ट्री जो भी हम देखेंगे, हम इन दो चीज़ में मेन फोकस करेंगे, और कुछ में होगा कि पानी का सोर्स क्या है बताओ, आयरन ओर का सोर्स क्या है बताओ, कौन से रीजन से आता है, तो वो हमें ज़्यादातर देखना है। तो फर्स्ट मैं बात करूँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन को बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए होता है, ठीक है, एंड साथ में कोल। कोल भी कौन सी, कोकिंग कोल। अब कोकिंग कोल क्या है, देखो कोल काफ़ी टाइप के होते हैं। कोकिंग कोल क्या होता है, कोकिंग कोल से और बेहतर टाइप के कोल आप बना सकते हो, वो होता है कोकिंग कोल। तो ये सारे रॉ मटेरियल है, आयरन की ओर, ठीक है, साथ में कोकिंग कोल, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, फायर क्ले। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन ओर को पिघला के जब बनाया जाता है आयरन, तब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोल वगैरह, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में, ताकि आयरन बन सके और ज़्यादा मजबूत हो सके, उसको शेप दे सके। तो इसलिए जो रॉ मटेरियल्स है, ये आपको देखना है। दूसरा, रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर जो छोटा नागपुर एरिया है, जो ईस्ट साइड में है ना, वहाँ पे ज़्यादातर मिलता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, तो उन जगहों पे ज़्यादातर पाया जाता है। इन टोटल इनको क्या कहते हैं, छोटा नागपुर एरिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसके बाद एक और चीज़ जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंडर ना दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड दूसरा मिनी स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कौन से, जो कि बहुत बड़े स्टील प्लांट्स वगैरह जो है वो, एंड मिनी स्टील प्लांट्स जो छोटे छोटे स्टील प्लांट्स लगे हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड इसके अंदर जितने भी स्टील प्लांट्स हैं उनके बारे में। तो हम अभी बारी बारी बात करते हैं अबाउट टिस्को एंड अबाउट इसको, ठीक है। तो टिस्को एंड इसको दो नाम है, जो कि इसके बाद और एक है, विश्वेश्वरिया स्टील प्लांट्स है। तो फर्स्ट हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ये जो दो है बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फर्स्ट है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि टाटा ग्रुप के अंडर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड ये फर्स्ट स्टील कंपनी है जो सेटअप हुई थी इंडिया में टाटा की। तो इसकी लोकेशन देखेंगे हम, रिवर देखेंगे, एंड जो भी इसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं वो देखना है, ठीक है। ये है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये आप एक नोट्स भी मान सकते हो, तो आप इसको देख लो, ये एक नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको बना के दिया है, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लोकेशन, ये लोकेशन
240 किलोमीटर अवे ऑफ कोलकाता, जो बॉम्बे कोलकाता की जो रेल लाइन है उसके कहीं आसपास ये बना है, जहाँ से स्टील की एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये कोलकाता में एग्जैक्ट नहीं है, ये 240 किलोमीटर अवे है कोलकाता से, एंड कोलकाता बॉम्बे रेल लाइन के आसपास बना है जहाँ से स्टील की एक्सपोर्ट होती है। दूसरा रिवर, तो अगर रिवर की बात करें, एक सुवर्ण रेखा है और एक खारकई है। ठीक है, खारकई एंड सुवर्ण रेखा, ये दो जो वाटर है इसके आस पास है। ठीक है, तो यहाँ से वो वाटर लेते हैं। तीसरा हो गया आयरन ओर, तो आयरन एंड स्टील कंपनी है तो आयरन ओर चाहिए। आयरन ओर कहाँ से आता है? नोआमुदी एंड बादाम पहाड़ रेंज से, तो वहाँ पे रेंज है। ठीक है, एंड उसको आपको याद रखना है, बादाम पहाड़ हिल्स है एंड एक नोआमुदी है जहाँ से आता है आयरन ओर इनका। कोल कहाँ से आता है? ओडिशा से। ओडिशा से कोल आता है, एंड जो कुकिंग कोल है, ठीक है, जिससे और बेहतर कोल बनाए जाते हैं, जो कुकिंग कोल है वो झरिया एंड बोकारो से आता है, जो झारखंड के एरिया में है। ठीक है, तो ओडिशा, झरिया, बोकारो, इन जगह से कुकिंग कोल आते हैं। एंड ये जो रीजन है जो मैंने आपको बताया है, ओडिशा, झरिया, बोकारो, ये सारा मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देख के जाना है कि कहाँ पर ये जगह है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसको की, जो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये पहले कहाँ पे था? पहले ये था हीरापुर में, पहले ये हीरापुर में था। अब ये हीरापुर कहाँ पे है? झारखंड में। उसके बाद ये कहाँ पे जाके सेटअप हुआ? कुल्टी में। ये कुल्टी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पे। तो पहले था हीरापुर में जो झारखंड में है, उसके बाद ये आया कुल्टी में जो वेस्ट बंगाल में है। एंड 1937 के बाद, 1937 में क्या हुआ था, इनको कहाँ पे सेटअप किया गया था? बर्नपुर में। फर्दर कहाँ सेटअप किया गया? बर्नपुर में, जो अगेन वेस्ट बंगाल पे है। तो ये दोनों जगह जो है वेस्ट बंगाल पे है। ठीक है, एंड ये झारखंड में है, इनसे इनको कुल्टी में फिर बर्नपुर में शिफ्ट किया गया। एंड ये बर्नपुर में कब हुआ? जब स्टील एसोसिएशन है, ठीक है, जो एक स्टील एसोसिएशन है, उनको वो इसको के साथ कंबाइन होके फिर उन्होंने कहाँ सेटअप किया था? बर्नपुर में। तो ये 1937 में जाके बर्नपुर में हुआ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद हम इसके कुछ रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं देखते हैं। फर्स्ट है आयरन ओर। आयरन ओर इसकी सिंहभूम से आती है। वाटर जो है बराकर से आती है, बराकर वहाँ पे रिवर है। एंड लोकेशन कोलकाता आसानसोल रेलवे। आसानसोल कोलकाता में ही है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो कोलकाता एंड आसानसोल की जो रेल लाइन है उसके आसपास ये बनी है। तो देखो ये रेलवे के आसपास क्यों बनती है? फर्स्ट तो यहाँ पे भी बॉम्बे एंड कोलकाता रेलवे से बनती थी, तो ये रेलवे के आसपास इसलिए बनती है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो सके। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने रेल लाइंस ले लिए कि जो रेल लाइंस के आसपास जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। पानी की फैसिलिटी इनको मिल जाती है रिवर्स से, साथ में इनके आयरन ओर मिल जाते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होता है, आयरन जो लोकेशन है वो डिसाइड किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के। फर्दर देखो इसमें क्या हुआ, अगेन 1972 से 73 में क्या हुआ था, इसको गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, इट इज़ टेकन बाय गवर्नमेंट, एंड ड्यू टू दिस इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया, इसका इम्पोर्टेंस चला गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो 1972 से 73 के बाद से आप कह सकते हो कि इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया था। टिस्को का तो था, बट इसको का जो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह के गया था। सो ये थी दो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट, हाँ, एंड इससे पहले मैं ये बता दूँ आपको, ये जितने भी रीजन्स आप देख रहे हो, सिंहभूम है, झरिया, बोकारो, इसका लोकेशन आप अपने बुक में देख सकते हो, जो मैप में है उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फॉर मैप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसके बाद है विश्वेश्वरिया स्टील प्लांट्स। ठीक है, हम इसको भी उसी पैटर्न में पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल, लोकेशन, पानी कहाँ से आता है, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। तो पहले जो है विश्वेश्वरिया स्टील प्लांट्स को मैसूर स्टील प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में है, तो इसको मैसूर स्टील प्लांट्स भी कहा जाता है, उस एरिया में है। एंड
फिर इसकी लोकेशन जो प्रॉपर लोकेशन है वो है केमांगुंडी जो कि कर्नाटक में है एंड बाबाबुदान हिल्स है वहाँ पे। वहाँ पे केमांगुंडी नाम का एक जगह है जो कर्नाटक में है, उसमें इसकी लोकेशन है, मीन्स वहाँ पे विश्वेश्वरीय स्टील प्लांट्स आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, लाइमस्टोन, मैंगनीज जो कि वहाँ पे लोकली अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे लोकली अवेलेबल होता है। मैंने फर्स्ट में आपको कहा था जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है उसमें भी मैंने आपको कहा था उसमें जो रॉ मटेरियल्स है लाइमस्टोन, मैंगनीज, कोल वगैरह ये सब चाहिए होता है, बट वहाँ पे कोल नहीं मिलता तो वहाँ पे नो कोल फैसिलिटी है एंड वहाँ पे लाइमस्टोन एंड मैंगनीज जो है लोकली मिलता है। दूसरा कि चारकोल जो है वो यूज़ होता था पहले, जैसे वुड से चारकोल बना के, ठीक है, तो उसको यूज़ किया जाता था टिल 1951 तक चारकोल यूज़ किया जाता था क्योंकि हीट देने के लिए। अब जो आयरन हो रहा है उसको पिघला के आयरन बनाया जाता है ना, तो उसके लिए चारकोल यूज़ किया जाता था 1951 तक, बट 1951 के बाद इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ होने लगा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, ठीक है, तो उसके वो यूज़ होने लगा। बट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, और वो पावर कहाँ से आता था, हाइडल पावर प्रोजेक्ट से। वहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट था जॉक फॉल्स हाइडल प्रोजेक्ट, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता था ताकि इलेक्ट्रिक फर्नेस को चलाया जा सके एंड आयरन ओर को पिघला के आयरन बनाया जा सके। उसके बाद पानी का सोर्स है तो वो है भद्रावती, जहाँ से पानी आता था इस आयरन स्टील प्लांट में। एंड ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पेशलाइज्ड स्टील एंड एलॉयज। स्टील तो प्रोड्यूस करता है आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, एलॉयज क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल और मोर देन दैट, तो वो अलॉय भी प्रोड्यूस करता है, स्टील भी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर है। तो अगर अब तक तीन स्टील प्लांट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर ये आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसमें लाइक दबा दीजिए। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1956 से 61 के बीच में आया था सेकेंड फाइव ईयर प्लान। तो उसके तहत क्या हुआ था, तीन इंडस्ट्रीज को, कितने, तीन इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, सेटअप किया गया विथ फॉरेन कोलैबोरेशन। यस, विथ फॉरेन कोलैबोरेशन, जैसे जर्मनी आई, रशिया आए एंड काफ़ी सारी कंट्रीज आए जिसके साथ मिलके कुछ इंडस्ट्रीज बनाई गई थी एंड उन इंडस्ट्रीज को अब हम बारी बारी करके देखते हैं। तो फर्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, एंड राउरकेला कहाँ पे है, ओडिशा पे। तो राउरकेला स्टील प्लांट्स ओडिशा पे है क्योंकि नाम से आपको पता चल गया होगा, राउरकेला स्टील प्लांट्स। एंड ये कब सेटअप हुआ था, 1959 में विद कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कोलैबोरेशन से ये राउरकेला स्टील प्लांट्स जो है सेटअप हुआ था। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है राउरकेला स्टील प्लांट्स का कि उसके आसपास ही जो है रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, मीन्स रॉ मटेरियल बहुत पास है इसलिए उनको बहुत आसानी होती है। तो जैसे कोल मिल गया उनको झरिया से जो झारखंड में है, अब झारखंड और अगर आप ओडिशा को देखो तो वो बहुत पास पास है, ठीक है, झरिया और राउरकेला वो बस पास पास है तो इसलिए कोल उनको वहाँ से मिल जाती है। आयरन और कहाँ से मिलते हैं, सुंदरगढ़ एंड केदूजहार। एंड इनको पावर कहाँ से मिलती है, क्योंकि उनको फर्नेसेस वगैरह चलानी होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है, जो भी चलानी होती है उसके लिए उनको जो पावर चाहिए वो हीराकुंड प्रोजेक्ट से मिलता है। एंड वाटर, पानी कहाँ से मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म कोयल एंड शंख रिवर जो कि उन्हीं के आसपास है, तो कोयल और शंख रिवर से उनको पानी मिलता है। एंड आपको ये याद रखना है कि ये जर्मनी के कोलैबोरेशन से बना था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके कोलैबोरेशन से बना था, ठीक है, आपको इतना याद रखना है ये जर्मनी के कोलैबोरेशन से बना था। दूसरा हम देखते हैं अबाउट भिलाई स्टील प्लांट, एंड भिलाई कहाँ पे है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। तो लोकेशन पहले कहाँ पे है, दुर्ग ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो पहले जो था राउरकेला वो ओडिशा में था, अब ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग में। किस कंट्री के कोलैबोरेशन से भी बना था, रशिया के कोलैबोरेशन से, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो है रशिया के कोलैबोरेशन से बना था। एंड इसमें जो रॉ मटेरियल्स है, ये जितने भी रॉ मटेरियल्स है कहाँ से आते थे,
एक तो आयरन और दिल्ली राजहरा माइन से आता था जो कि वहाँ पे ही है, आसपास पे है। कोल जो है कोरबा करगली कोल फील्ड वहाँ से आता था, ठीक है, कोरबा करगली कोल फील्ड। आपको क्या करना है, देखो मैं हर एक की लोकेशन में आपको नहीं बता सकती, आपको देखना है कहाँ पे है ये। एंड मैं इनकी जो लोकेशन है डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चंस जब आपको दिखाऊंगी तब मैं आपको ये सारा बता दूंगी, तब तक आप अपने बुक में देख सकते हो, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इनकी लोकेशन आप देख लो, क्योंकि ये जैसे कुछ कुछ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मैप के लिए। कोरबा करगली आ सकता है, ठीक है। एंड कोरबा में ही एक थर्मल स्टील पावर प्लांट स्टेशन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पावर है तो उसके पास वाटर कहाँ से आता है, तंडुलाडम से। तंडुलाडम वहाँ से पानी आता है, ठीक है, ये एक रिवर है एंड वहाँ से पानी आता है। एंड इनकी ये जो स्टील प्लांट्स है, ये जो कोलकाता मुंबई की रूट है ना, जो हमने टिस्को में पढ़ा था कि कोलकाता मुंबई की जो रूट है उसमें पास पड़ता है, तो ये भी जो स्टील प्लांट है ये भी कोलकाता मुंबई रेलवे रूट के पास पड़ता है। इसकी जितने भी स्टील प्रोड्यूस होते हैं वो हिंदुस्तान शिपयार्ड से जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है उसके थ्रू जितने भी स्टील प्रोड्यूस होते हैं वो इसके थ्रू जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द भिलाई स्टील प्लांट। इसके बाद है दुर्गापुर स्टील प्लांट। सो दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ये अपने आप में एक जगह है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड ये जो स्टील प्लांट्स है ये किसके कोलैबोरेशन में बना था, यूके, ठीक है। तो पहले के दो जो थे, एक तो ओडिशा जो था वो जर्मनी से बना था एंड दूसरा जो है रशिया के साथ बना था भिलाई स्टील प्लांट। इसके बाद है दुर्गापुर जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ कोलैबोरेट होके बना था। एंड इनकी जो प्रोडक्शन थी ये 1962 में स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्शन 1962 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट्स है ये रानीगंज एंड झरिया कोल बेल्ट के वहां पे ही है, ठीक है। रानिया झरिया, झरिया एंड रानीगंज जो है कहाँ पे है, झारखंड में, एंड वहाँ के जो कोल बेल्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। आयरन और इसके नुआमुंडी से आती है। जो वाटर है ऑफकोर्स वहाँ पे दामोदर वैली है, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन से उनकी पानी आती है, क्योंकि वहाँ पे दामोदर रिवर है तो उन वहाँ से पानी आता है। छोटा नागपुर एरिया का एरिया जो है ना, उसमें जितने भी पानी के फील्ड्स है ज़्यादातर जो है ट्रिब्यूटरीज है दामोदर के, तो दामोदर रिवर जो है वहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है, आगे भी ये काम आ सकते हैं, ठीक है। सो दुर्गापुर का आप इजीली याद रख सकते हो दामोदर, ठीक है। एंड यूके के साथ कोलैबोरेशन था। दुर्गापुर में यू भी आता है, डी के बाद यू भी आता है, तो आप यूके समझ सकते हो इसको, तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं तो वन मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मतलब किसके साथ कौन बना था, कोलैबोरेट होके बना था, तो आप थोड़ा हैक वैक अपने आप से निकाल सकते हो इसका। इसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट्स। अब देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो तीन स्टील प्लांट्स बने थे वो फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ बने थे, और वो तीन हमने आगे डिस्कस कर लिए, राउरकेला भिलाई एंड दुर्गापुर। ये जो बोकारो स्टील प्लांट्स हैं एंड ये जो अदर स्टील प्लांट्स है ये क्यों बने थे, एक्चुअली जो बोकारो स्टील प्लांट है ये इसलिए नहीं बना था ताकि स्टील प्रोडक्शन कर पाए, ये इसलिए बना था कि उनको सपोर्ट दे पाए। तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट्स है ये राउरकेला को सपोर्ट करने के लिए बना था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कोई रॉ मटेरियल है, कोल है, आयरन ओर है, तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था इस स्टील प्लांट्स के थ्रू। एंड ये 1964 में सेटअप हुआ था। लोकेशन है इसकी बोकारो एंड कंट्री है रशिया। इसका काम क्या होता था, जैसे ये ना आयरन ओर रिसीव करता था फ्रॉम राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जो स्टील प्लांट्स है उसके थ्रू ये रिसीव करता था आयरन ओर, एंड इसके बदले वो गाड़ी के थ्रू जो वैगन्स होते हैं ना, जैसे ऐसे बास्केट्स वगैरह होते हैं, चेन्ड बास्केट्स वगैरह जिसमें वो सामान जाती है, तो इसके बदले वो कोल उनको देता था। तो ये वो रिसीव करता था और ये जो चीज़ है वो उससे भेजता था, उससे कोल भेजता था। एंड दी वैगन्स ऑन रिटर्न टेक कोल टू राउरकेला। एंड जो अदर रॉ मटेरियल्स है उसके 350 किलोमीटर के आसपास तो मिली जाती थी सारे चीज़ें। एंड जो पानी है, वाटर है, वो अगेन उसको दामोदर से मिलता था, ठीक है, दामोदर से मिलता था, क्योंकि वहाँ पे ये वाला रिवर जो इम्पोर्टेंट है उसी के ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज जो है वाटर सप्लाई का काम उससे ही होता था। तो ये जो स्टील प्लांट बना था ये स्पेशली बना था फॉर
ट्रांसपोर्टेशन। सो कुछ अदर स्टील प्लांट्स है जो स्पेशली साउथ इंडिया में बने थे, सारे साउथ इंडिया में बने थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जितने भी है वहाँ पे बने थे। एंड ये जो तीन स्टील प्लांट्स थे ये अपने मेन मटेरियल सोर्स से दूर थे। एंड ये जितने इंडस्ट्रीज है ये ना फोर्थ फाइव ईयर प्लान के तहत बने थे। जो फाइव ईयर प्लान चलाए जाते थे तो उसके फाइव ईयर प्लान के तहत ये थ्री इंडस्ट्रीज बने थे साउथ इंडिया में। एंड तीन कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो वाइजैग स्टील प्लांट्स जो कि विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश, ठीक है, विशाखापट्टनम में एक बना था, विजयनगर में एक बना था जो कर्नाटक में है, एंड सालेम स्टील प्लांट जो है 1962 में इसको बनाया गया था जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो एक तमिलनाडु में, एक कर्नाटका में और एक आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। एंड अदर देन दैट 206 अदर यूनिट्स 206 अदर यूनिट्स जो थे बाकी लोकेशंस पे थे। एंड इसमें बस इतने नाम आपको जानना काफ़ी है, इसके इतने डिटेल्स में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये जानना है कौन कौन से अदर स्टील प्लांट्स बने थे एंड किसके तहत बने थे, वो थे फोर्थ फाइव ईयर प्लान के तहत। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम बाकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज को देखेंगे। सो टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।